Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, I'm uploading the notes of class 12, chapter number 7, that is alternating current. So iske jo important topics hai, wo maine yahan pe likh rakhe hain. Sabse pehle jo RMS value hoti hai alternating current ki, usko kaise derive karte hain, ya fir is way mein pucha ja sakta hai ki jo RMS value hoti hai and jo peak value hoti hai current ki, un dono mein relation. Uske baad jo impedance derive karne ka jitne bhi derivations hain, chahe wo LR circuit ho, CR circuit ho, LCR ya fir LC circuit. Now, इसमें जो most important है वो LCR circuit है, जो phasor diagram से जो impedances हम calculate करते हैं, वो important topic है, यानी generally 3 marks का आता है, and LC circuit भी important है, because इसका जो derivation है, वो थोड़ा सा अलग है, because इसमें resonance की condition आ जाती है, then उसके बाद जो average power है, वो किस तरह से हम derive करते हैं, I guess ये topic कट गया है, but you can just check कि ये आपके course में है या नहीं, and then उसके बाद choke coil ये इम्पॉर्टेंट है एंड देन एलसी ऑसिलेशंस की जो एलसी सर्किट्स हैं उसमें किस तरह से ऑसिलेशंस होते हैं एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर है ये जनरली 3 मार्क्स का आता है इसकी जो वर्किंग है वो भी इम्पॉर्टेंट है जो डायग्राम है इसका एंड देन एफिशिएंसी किस तरह से इफेक्ट होती है ट्रांसफार्मर की एंड एनर्जी लॉसेस कब कब होते हैं ट्रांसफार्मर में सो जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इन सभी के नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो आई होप यू यूजफुल रही हो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग